यदि इंग्लैंड होम ऑफ क्रिकेट है और इंडिया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, तो दोस्तों कैरिबियाई धरती बिना किसी संदेह जनरेटर ऑफ क्रिकेट है। दोस्तों यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इतिहास से वर्तमान तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बड़ी तादाद में हरफनमौला खिलाड़ियों से क्रिकेट मैदान को नवाजती रही है। ब्रायन लारा, विव रिचर्ड्स, क्रिस गेल और डीजे ब्रावो जैसे ना जाने कितने ही दिग्गज खिलाड़ी कैरिबियाई धरती से निकले और ना सिर्फ निकले बल्कि अपने प्रदर्शन के बलबूते विश्व क्रिकेट जगत में एक सुपरस्टार के रूप में उभरे। और इसी क्रम में आज हम आपसे कैरिबियाई धरती से निकले एक ऐसे ही हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं, जिसने अपने शांत स्वभाव और गजब की क्रिकेटिंग कला के चलते विश्व क्रिकेट के न जाने कितने ही रिकॉर्ड अपने नाम के आगे जोड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम आपसे बात करने वाले हैं विश्व क्रिकेट के जाने माने कैरिबियाई खिलाड़ी सुनील नारायण की। दोस्तों सुनील नारायण का जन्म 26 मई 1988 को कैरिबियाई आइलैंड ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में पिता शादीद नारायण और माँ क्रिस्टीना नारायण के घर में हुआ था। सुनील नारायण के पिता भारतीय क्रिकेट टीम और खासतौर पर सुनील गावस्कर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। सुनील गावस्कर के फैन होने के कारण ही उन्होंने अपने बेटे का नाम सुनील रखा। सुनील नारायण के पिता पेशे से टैक्सी ड्राइवर थे और घर की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण सुनील का बचपन बहुत से अभावों में गुजरा। पर आर्थिक अभावों के बावजूद सुनील नारायण का बचपन क्रिकेट अभावों में बिल्कुल भी नहीं गुजरा। सुनील के पिता बहुत बड़े क्रिकेट प्रशंसक थे और अपने बेटे का भविष्य एक कामयाब क्रिकेटर के तौर पर देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सुनील नारायण की ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट कर दी थी। बचपन में वो रोज सुनील के साथ क्वींस पार्क ओवल क्रिकेट स्टेडियम जाते और अपने बेटे के साथ जमकर क्रिकेट खेल का लुफ्त उठाते। इस दौरान सुनील के पिता अपने बेटे को क्रिकेट खेल की बारीकियां भी समझाते। सुनील नारायण की क्रिकेट प्रतिभा जब दिन ब दिन निखरने लगी, तब उनके पिता ने सुनील को एक क्रिकेट एकेडमी में एडमिट करवाने का निर्णय लिया। घर पर आर्थिक समस्या पहले से ही होने के कारण सुनील नारायण के पिता को क्रिकेट एकेडमी की फीस देने के लिए कई संघर्ष करने पड़े, पर बावजूद इसके वे अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। बहरहाल सुनील नारायण भी क्रिकेट एकेडमी से जुड़ने के बाद अपनी प्रतिभा को निरंतर चमकाते चले गए। अपनी शानदार हिटिंग पावर और रहस्यमयी राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कला के चलते लोकल स्तर पर एक के बाद एक कई कीर्तिमान स्थापित करते चले गए। सुनील नारायण लोकल लेवल से निकलकर तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने 2006 के एक अंडर 19 ट्रायल मैच में मात्र 55 रन देकर 10 विकेट चटका डाले। अपनी जवानी के बेहद ही शुरुआती दौर में उनका यह प्रदर्शन चयनकर्ताओं के मन में कुछ इस कदर घर कर गया, जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड के कुछ सदस्यों ने सुनील नारायण को विशेष मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। और 3 साल चले संघर्ष के बाद सुनील नारायण को आखिरकार साल 2009 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। अपने डेब्यू मैच में सुनील नारायण अपनी प्रतिभा के क्षमता अनुसार प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे। अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू क्रिकेट मैच में सुनील नारायण 13 ओवर डालकर बिना किसी सफलता के ही पवेलियन लौट गए। अपने इस लचर प्रदर्शन के चलते सुनील नारायण लगभग 1 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट एक्शन से गायब रहे। नेट्स में पसीना बहाने के बाद और अपनी स्पिन कला में और अधिक धार लगाने के बाद सुनील नारायण साल 2011 में कैरिबियाई प्रीमियर लीग जैसे बड़े क्रिकेट मंच पर अपनी वापसी करने में कामयाब हो गए। सीपीएल के सीजन में ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की ओर से खेलते हुए सुनील नारायण ने अपनी शानदार क्रिकेटिंग कला का प्रदर्शन जारी रखा। इस पूरे सीजन में सुनील नारायण ने 13 की औसत से 5 विकेट अपने नाम किए। सुनील नारायण और पूरी टीम के अच्छे प्रदर्शन के बदौलत ट्रिनिडैड एंड टोबैगो टीम इस सीजन ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब हो गई। कैरिबियाई लीग के पूरे टूर्नामेंट में निरंतर अच्छे प्रदर्शन के चलते सुनील नारायण अपनी स्पिन कला में बेहतर से और बेहतरीन होते चले जा रहे थे। सीपीएल के बाद 2011 चैंपियंस लीग में बल्लेबाज सुनील नारायण की स्पिन गेंदबाजी को बिल्कुल भी भाप नहीं पा रहे थे और यहीं से सुनील नारायण के नाम के साथ मिस्ट्री स्पिनर का टैग जोड़ना शुरू हुआ। चैंपियंस लीग 2011 के पूरे टूर्नामेंट में सुनील नारायण अपने नाम के आगे 10 विकेटों का आंकड़ा जोड़ने में कामयाब रहे। सीपीएल और चैंपियंस लीग में लगातार अपने शानदार प्रदर्शन के साथ ही सुनील नारायण कैरिबियाई क्रिकेट में अपने आप को बतौर स्पिनर स्थापित करने में कामयाब रहे। अपने शानदार फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए सुनील नारायण ने साल 2011 में ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की ओर से लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पदार्पण किया। इस पूरे टूर्नामेंट में सुनील ने कुल मिलाकर 15 विकेट अपने नाम किए और अपनी टीम को चैंपियन बनाने में सुनील नारायण इस टूर्नामेंट में मुख्य भूमिका में रहे। सीपीएल, चैंपियंस लीग और लिस्ट ए क्रिकेट में निरंतर सफलता मिलने के बाद सुनील क्रिकेट के सर्वोच्च मुकाम में अपना नाम स्थापित करने में कामयाब हो गए, जिसका निष्कर्ष यह रहा कि नारायण 5 दिसंबर 2011 को अपना डेब्यू भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में करने में कामयाब रहे।
अपने डेब्यू ओडीआई मैच में किफायती गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे सुनील नारायण दो विकेट भी चटकाने में कामयाब रहे। ओडीआई के बाद सुनील नारायण साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की ओर से डेब्यू करने में कामयाब हो गए और दो महीने के बाद ही सुनील नारायण का पदार्पण वेस्टइंडीज की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कम समय में मिली इतनी बड़ी सफलता सुनील नारायण के प्रदर्शन में निरंतर निखार लाती चली गई। सुनील नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक के बाद एक नए कीर्तिमान अपने नाम के आगे स्थापित करते चले जा रहे थे। क्रिकेट जगत में सुनील नारायण एक बड़ा नाम बनते जा रहे थे, पर इसके साथ ही उनके जीवन में एक बुरा पल तब आया जब उनकी बॉलिंग एक्शन को साल 2015 में इलीगल करार करते नारायण के क्रिकेट खेलने पर भी बैन लगा दिया गया। अपनी सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ रहे सुनील के लिए क्रिकेट खेल से प्रतिबंध वाकई सपनों को तोड़कर रख देने वाला था। इसके बावजूद भी सुनील नारायण ने हार नहीं मानी। बैन के कुछ महीनों बाद नारायण ने अपनी बॉलिंग एक्शन में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में फिर से वापसी की। बॉलिंग एक्शन को सुधारने के बाद सुनील नारायण शुरुआती दिनों में बल्लेबाजों के लिए उतने घातक साबित नहीं हो पा रहे थे जितने वे पहले हुआ करते थे। हालांकि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सुनील नारायण का समय बीतता गया, सुनील नारायण निरंतर अपनी गेंदबाजी कला में धार लगाते चले गए और फिर नारायण के करियर में वह समय भी आया जब उन्होंने अतीत में भूली बिसरी अपनी मिश्र स्पिनर की ख्याति वापस अर्जित कर ली। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा बात करें सुनील नारायण के आईपीएल क्रिकेट करियर की, तो चैंपियंस लीग 2011 में अच्छे प्रदर्शन के बाद नाइट राइडर्स ने उन्हें 2012 में अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया था और तब से नारायण निरंतर कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बने हुए हैं। केकेआर के लिए मैच खेलते हुए सुनील ने 129 मैचों में 926 रनों का योगदान अभी तक अपनी टीम को दिया हुआ है। वहीं दूसरी ओर नारायण ने 129 आईपीएल मैचों में 137 विकेटों का आंकड़ा भी अपने नाम किया। साल 2017 में ओपनिंग करते हुए सुनील केकेआर के लिए एक्स फैक्टर साबित हुए थे। इस पूरे सीजन में सुनील ने दुनिया भर के सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। 2017 आईपीएल में सुनील नारायण ने पूरे टूर्नामेंट में 741 रन शानदार 168 की औसत से ठोके। इसके बाद आईपीएल में सुनील नारायण की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती चली गई। आईपीएल के अलावा सुनील नारायण दुनिया भर की क्रिकेट लीग्स में भी अपना जलवा बिखेरते रहे हैं। अब अगर बात करें सुनील नारायण के निजी जीवन की, तो सुनील नारायण ने साल 2013 में नंदिता कुमार से भारतीय रीति रिवाजों के तहत शादी रचाई थी, पर इसके बावजूद उनकी शादी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल पाई और दोनों ने अपने रास्ते शादी के बंधन से अलग कर लिए। नंदिता कुमार से अलग होने के बाद सुनील नारायण ने अपनी दोस्त एंजेलिया से शादी रचा ली, जिससे अभी उनका एक बेटा भी है। फिलहाल सुनील नारायण दुबई में हमें केकेआर की ओर से आईपीएल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह था सुनील नारायण का अभी तक का क्रिकेट सफर। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और अब बारी है आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ने का। जी हाँ दर्शकों, आज से हम ये नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो के अंत में पिछले वीडियो पर जो कमेंट्स आए रहेंगे उसमें से हम टॉप 10 कमेंट्स चुनेंगे और उसको पढ़कर आप सबको सुनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के टॉप 10 कमेंट्स कौन कौन से हैं। समीर खान जी लिखते हैं, ये वीडियो और लंबी कर सकते थे, धोनी सर की कप्तानी पारी और गंभीर का शतक, युवराज की हिम्मत और लास्ट ओवर बताकर। तो दर्शकों, मैं आपको बता दें कि 2011 रिवाइंड वर्ल्ड कप पर पहले से एक सीरीज आ चुकी है। समीर खान जी, आपने अगर वो सीरीज ना देखी हो तो उसमें विस्तृत रूप से हमने सारी चीजें उसमें आपको बताई हैं, आप एक बार देखिएगा, वो सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। इस एपिसोड में 1999 से लेकर के 2011 तक के वर्ल्ड कप के सफर को समेटना था, इसी वजह से हमने ये सारी चीजें जल्दी जल्दी बताई। अगला कमेंट्स देखते हैं। शुभम लिखते हैं, 2011 वर्ल्ड कप की टीम सबसे बेस्ट है, वैसी टीम ना बनी थी और ना कभी बन पाएगी। सचिन, सहवाग, गंभीर, कोहली, युवराज, धोनी, रैना, हरभजन, अश्विन, जहीर, श्रीसंत। जी हाँ दर्शकों, व्यक्तिगत रूप से ये मेरा भी मानना है कि ऐसी टीम तो फिर अब कभी देखने को नहीं मिलेगी। एक क्रिकेट प्रशंसक के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपने राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगला कमेंट है अरविंद राय का, 2011 वर्ल्ड कप के बाद 2013 में हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद 2014 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में हार गए, 2015 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गए, 2017 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में हार, फिर टी20 सेमीफाइनल वेस्टइंडीज से हार और 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार। लेकिन इन सब हार में मुझे 2017 का चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान से मिली हार का बहुत बड़ा अफसोस रहेगा, जब तक दोबारा भारत पाक को कोई ICC मैच ना हो।
अरविंद जी, करोड़ों दर्शकों की भी यही इच्छा है, जरूर पूरी होगी। अगला कमेंट है दादा खान एसपी का, प्लीज सर शोले मूवी के रामलाल और सत्येन कप्पू के जीवन पर वीडियो बनाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। कई बार इन्होंने प्लीज प्लीज लिखा है, तो दादाजी जो भी आपका नाम है, इतनी बार प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, और ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर काम शुरू कर दिया है, बहुत जल्द ही इस पर वीडियो आएगी। अगला कमेंट है हिंदी बायोग्राफर, मेक वीडियो ऑन रिवाइंड वर्ल्ड कप 1983 नेक्स्ट ईयर ऑन एग्जैक्ट डेट और सेल मेक लव योर वीडियो वाइस अनुराग सर। थैंक यू सबसे पहले आपको कि आपने हमारी आवाज़ की तारीफ की, और 1983 वर्ल्ड कप पर रिवाइंड सीरीज हम लेकर के आएंगे, जरूर लेकर के आएंगे, और आप ऐसे ही नारा टीवी को प्यार देते रहिए। अगला कमेंट है अमनदीप बग्गा का, ये लिखते हैं सर एक बात आप भूल गए, 2000 में जब भारत 54 रन पर ऑल आउट हो गया था तब भी बहुत दुख हुआ था। आपकी बात बिल्कुल सही है, खैर 2000 में मैं बहुत छोटा था, तो उतनी क्रिकेट को लेकर के मेरी कोई जागरूकता नहीं थी, और अफसोस है कि पिछले वीडियो में ये चीज़ शामिल नहीं हो पाई। अमनदीप जी की तरह और किन किन दर्शकों का ऐसा सोचना है, आप ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। अगला कमेंट है न्यूज़ एंड अपडेट्स, ये लिखते हैं 2019 में विश्व कप की हार का उतना मलाल नहीं रहा जितना धोनी के रोते हुए पवेलियन जाने का। बिल्कुल सही आपने लिखा है, ये मलाल व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी रहा है। करण गिरी जी लिखते हैं युवराज नहीं होते तो वर्ल्ड कप कोई नहीं जिता सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने करण जी, 2011 वर्ल्ड कप के जीतने में युवराज सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ हमारे जितने भी खिलाड़ी थे, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो गंभीर हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सहवाग हो, सभी खिलाड़ियों की एक अपनी अपनी भूमिका रही है, सबकी अपनी अपनी एक जगह होती है ना। न्यू में जब कोई ईंट रखी जाती है तो हर ईंट की अपनी एक जगह होती है, कोई भी ईंट अगर सरक जाती है तो पूरा मकान ढह जाता है, तो सबकी अपनी अपनी एक जगह थी। इसमें कोई शक नहीं कि युवराज सिंह एक बहुत ही महान बल्लेबाज, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, बहुत ही महान क्रिकेटर हैं, आपकी बात से सभी सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है पेन, ये लिखते हैं मैच जीत सकता था 100 रन तक, केवल एक आउट था, सचिन ने सिर्फ अच्छा खेला था। सचिन के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका ने इंडिया को बुरी तरह हार मिले, मतलब हरा दिया, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। ये बात कर रहे हैं शायद 1999 वर्ल्ड कप की या उसके बाद की, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा एग्जैक्ट। तो चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो भी नाम हो। अंत में मिश्रा हिमांशु, ये लिखते हैं बहुत अद्भुत तरीका है आपका कहानी बयां करने का, दिल को छू जाती है, आप ऐसे ही पुरानी यादें ताज़ा करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को इतने प्यार से देखते हैं, समय निकाल करके देखते हैं, और यही सारी बातें दर्शकों हम लोगों को और भी मेहनत करने का हौसला देती हैं। अंत में आपसे गुजारिश है कि हमारे दो और नए चैनल हैं, नारदवाणी और बिज टॉक्स, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम वहाँ पर ला रहे हैं। अगर आप धार्मिक कथाओं की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप नारदवाणी पर ज़रूर जाइए, और अगर आप किसी संस्था के, किसी बिजनेस के, कंपनी के बनने बिगड़ने, उसके सक्सेस होने की कहानी अगर देखना चाहते हैं तो बिज टॉक्स पर हमने बहुत ही अच्छी सीरीज की शुरुआत की है, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो बिज टॉक्स पर मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप सभी दर्शक एक बार विजिट करके ज़रूर आए। जो भी दर्शक यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं वो बिज टॉक्स को ज़रूर देखें, यकीनन आपको हमारे वो कॉन्टेंट ज़रूर पसंद आएंगे। और अंत में एक और गुजारिश मैं करना चाहता हूँ, हमारे एक मित्र हैं, दर्शक हैं अश्विनी दुबे जी, उनकी एक बेटी है जो दिव्यांग है और भगवत गीता में महारत हासिल रखती हैं, वो अंकिता दुबे जी, अभी मात्र उनकी 12-13 साल उम्र है, और उनका उन्होंने एक चैनल बनाया है संगीत साहित्य मंच। संगीत साहित्य मंच के माध्यम से वो भगवत गीता के बारे में और भी तमाम चीज़ों के बारे में ज्ञान की बातें वो लोग वहाँ पर बताते रहते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार उस चैनल पर जाकर के ज़रूर विजिट करें, उसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलेंगे अगले वीडियो में आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।